हेलो दोस्तों, आप सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ये जो प्यारी सी रसीली सी जलेबियां हैं इनकी रेसिपी, और ये इंस्टेंट रेसिपी है, यानी कि इंस्टेंट जलेबी की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं हमने इसको कैसे बनाया है। तो दोस्तों, इंस्टेंट जलेबी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाशनी बनानी है। चाशनी के लिए मैंने यहाँ पर ली है एक बड़ी कटोरी भर की चीनी, दो इलायची और थोड़ा सा नींबू का रस चाहिएगा, और जितनी चीनी है उसका आधा पानी। तो चलिए सबसे पहले हम चाशनी बनाते हैं। तो सबसे पहले एक पतीले में मैं चीनी डाल रही हूँ और जितनी चीनी है उसका आधा पानी, और साथ में ही ये दो इलायची। तो चीनी हमारी मेल्ट होने लगी है और इसमें मैं कुछ बूंदे नींबू का रस डाल रही हूँ। चीनी घुल चुकी है और मैंने इसमें दो चुटकी खाने वाला ऑरेंज कलर डाला है, और थोड़ा सा पकाएंगे। हमें तार नहीं लानी चाशनी में, लेकिन अच्छी गाढ़ी चिपचिपी चाशनी चाहिए। तो चाशनी को उबलते हुए 2 मिनट हो गए हैं और कुछ इस तरीके की चिपचिपी चाशनी हमें चाहिए थी, जो कि हमारी बन चुकी है। अब गैस को करते हैं बंद। अब बाउल में सबसे पहले मैं आटा डालूँ। मैं आटे की बना रही हूँ, आप चाहें तो मैदे की भी बना सकते हैं। अब चूंकि ये इंस्टेंट जलेबी है तो इसलिए इसमें मैं दही नहीं डाल रही हूँ। एक चुटकी नमक और आधा पिंच फूड कलर, जबकि मैंने चाशनी में भी डाला है तो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया, और 2 चुटकी के करीब बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं बेकिंग सोडा, और यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून के करीब विनेगर। और अब पानी डाल के इसका ये बैटर बनाएंगे लम्प फ्री। तो लीजिए दोस्तों, बैटर बन चुका है और इसमें मैं 1/2 चम्मच के करीब देसी घी डाल रही हूँ ताकि ये थोड़ी खस्ता बने, और इसको भी कर लेंगे अच्छे से मिक्स। तो लीजिए, बैटर हमारा है तैयार, और ना हमने इसमें दही डाला ना इनो डाला, है ना इंस्टेंट। तो बस इसको मैं एक पाइपिंग बैग में भर रही हूँ, और अगर पाइपिंग बैग ना हो तो हम किसी दूध या दही की पाउच जो होती है उसको अच्छे से वॉश करके उसमें भी भर के बना सकते हैं। तो बस मैंने इसको पाइपिंग बैग में फिल कर लिया और इसमें लगा दिया है एक नोट ताकि ये खुले ना, और यहाँ से हम इसको कट करेंगे और अपनी जलेबियाँ बनाएंगे। पहले हल्का सा बैटर डाल के चेक कर लेते हैं कि ऑयल अच्छे से गर्म हुआ या नहीं। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है मीडियम हीट पर। और अब हम अपनी जलेबियां बनाना करेंगे स्टार्ट। जल्दी नहीं करेंगी इनको पलटने की, क्योंकि एक तो ये सिकेंगी नहीं और दूसरा ये टूट जाएंगी। जब ये एक तरफ से सिक जाएंगी तो हम इनको पलट लेंगे। जैसे कि ये हो गई है तो मैं अब इनको बहुत आराम से पलट लूंगी। तो ये हो चुकी है बहुत अच्छी सी क्रिस्पी, और अब इनको फटाफट से चाशनी में डिप करेंगे और हल्का सा डुबो देंगे। तो इनको सिर्फ 10-15 सेकंड के लिए डिप करेंगे और निकाल लेंगे। तो बस साथ के साथ इनको निकालते जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं वरना ये सौगी हो जाएंगी। आप अगर देख पा रहे हो एकदम क्रिस्पी करारी जलेबियां बनी है हमारी, ऐसे ही सारी बनाते जाएंगे और निकालते जाएंगे। तो बस इस तरीके से सारे बैटर की हम जलेबियां बना के तैयार कर लेंगे। देखिए क्या मस्ती से नाचते हुए फ्राई हो रही है ये। तो
तो दशहरे पर जलेबियाँ हमारे यहाँ ज़रूर बनती हैं दोस्तों, और जलेबी बनानी मैंने अपनी मम्मी से सीखी थी, लेकिन वो थोड़ा क्या बोलते हैं दही वगैरह डाल के अच्छे से बनाती थी, लेकिन आजकल हम लोग सब इंस्टेंट काम करने लगे हैं। तो ये हो गई है, इनको भी निकाल के चाशनी में डिप करते हैं। लीजिए दोस्तों, सारी जलेबियाँ बन के हो गई हैं तैयार, और ये थोड़ी सी चाशनी बच गई है, इसको हम फिर किसी और रेसिपी में यूज़ कर लेंगे। और अब ये जो जलेबियाँ हैं ये चाशनी से अच्छी तरह डूब डाब के एकदम रसीली हो गई हैं, और इसके ऊपर आप चाहें तो थोड़े से पिस्ते या बारीक कटे हुए काजू या आपकी पसंद की कोई भी गार्निशिंग कर सकते हैं, जैसे कि मैंने की है थोड़े से पिस्ते और चिरौंजी से। चलिए इनको निकालते हैं एक अच्छे से एक प्लेट में और करते हैं सबको खाने के लिए सर्व। जी मैंने जलेबी को कर दिया है सर्व, और देखने में लग रही है ना एकदम बस ऐसे कि बस तुरंत के तुरंत अभी उठाओ और खा लो। तो सच में ये इंस्टेंट भी हैं और टेस्टी भी हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे इंस्टेंट जलेबी का, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैप्पी दशहरा टू यू ऑल।